भाई है तो हमारे खिलाफ हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये जय भीम का नारा लगाना मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इनको पहचानो और अपने बस्ती में अपने मोहल्ले में इनको जूते की माला पहना करके इनको विदा करो। ये कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं, हम भी कहते हैं हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हो, लेकिन आप एक बात बताओ जनरल कैटेगरी का 51.5% कोटा है, कितना है 51.50 और उसमें से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS के कोटा के लिए रिजर्वेशन लागू करवा दिया और दफ्तरों में भर्ती भी शुरू हो गई। एक ब्राह्मण ने, एक राजपूत ने, एक वैश्य समाज के व्यक्ति ने EWS का कभी भी कोई वोट करके प्रदर्शन नहीं किया। बताओ ये हमारे कैसे दलित भाई है जो हमारे खिलाफ हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये जय भीम का नारा लगाना मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इनको पहचानो और अपने बस्ती में अपने मोहल्ले में इनको जूते की माला पहना करके इनको विदा करो। अब जो अपने वाल्मीकि समाज से आते हैं, सुनिए हमने धोबी समाज के यहाँ पर मीटिंग करी, सुनिए हमने धोबी समाज के साथ मीटिंग करी, हमने थारूक समाज के मीटिंग साथ करी, हमने सासी समाज के साथ करी, हमने मूसर समाज के साथ करी, हमने कोली समाज के साथ बात करी और आज भी हम ये कह रहे हैं अति वंचित समाज जिंदाबाद। आपको समझ में नहीं आती है? मेरे साथियों बार बार आप लोगों से अनुरोध है कि आज यहाँ से ये फैसला होना चाहिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम उनका पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विरोध करते हैं और वर्तमान सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस वर्गीकरण को केंद्र से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक लागू किया जाए, मंत्रिमंडल तक लागू किया जाए।